माल का नुकसान हो जाए तो क्या ये जान का सदका होता है? माल का नुकसान हो जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि फिक्र ना करें, ये अपनी जान का माल पर चला गया है। क्या ये बात शरई तौर पर सही है? हदीस में कोई ऐसी सराहतन बात तो नहीं मिलती कि जान का नुकसान माल में हो जाता है। अलबत्ता हदीस से इतना ज़रूर पता चलता है कि मुसलमान को कोई भी नुकसान पहुँचता है तो वो किसी न किसी गुनाह की तलाफी और कफ़ारा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का मामला भी बड़ा अजीब है, कोई खुशी पहुंचती है, शुक्र अदा करता है, ये शुक्र उसके लिए बेहतर है। बेहतर का मतलब क्या है? बलाओं के दूर करने का ज़रिया बनता है और आखिरत में तरक्की का ज़रिया बनता है। मुसीबत पहुँचती है, सब्र करता है, ये सब्र उसके लिए खैर बन जाता है। क्या मतलब? खैर से दुनियावी और उखरवी दोनों खैर मुराद है। इस सब्र से अल्लाह उसको बड़ी मुसीबतों से निजात दे देते हैं, इस सब्र से आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो और फरमाए, ये ऑप्शन अल्लाह ने सिर्फ मोमिन के लिए रखा है जो आखिरत पर ईमान रखता है। अलबत्ता ये ज़रूर है, जब इंसान मुसीबत में वावेला करना शुरू कर दे, नाशुक्री करे, तो फिर नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए तो हदीस से पता चलता है वो आपके किसी गुनाह की उससे तलाफी हो रही है। गुनाहों की वजह से दुनिया में भी अजाब आता है, आखिरत में भी। तो अगर अल्लाह छोटी मुसीबत दे दे तो इससे पता चलता है अल्लाह बड़ी मुसीबतों से इंसान को बचा लेता है। कि अगर आपका माल का नुकसान हुआ है तो इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है कि शायद अल्लाह ने आपको जानी नुकसान से बचा लिया हो, छोटी सज़ा दे के बड़ी सज़ा से बचा लिया हो, इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद होता है।